मैं सांसद आप देख रहे हो स्टडी विद सांसद। आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर थ्री और चेंजिंग अर्थ करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इन टू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द प्लेट मूव्स वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है, ये एक्टिविटी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ जो लिथोस्फीयर होता है वो बहुत सारी प्लेट्स में, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट्स में वो टूटा हुआ है, जिससे हम कहते हैं लिथोस्फीयरिक प्लेट्स। वो जो लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है वो हर वक्त वो चलती रहती है, लेकिन वो कुछ मिलीमीटर ही चलती है हर साल, ठीक है। वो इसलिए चलती है क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा है अर्थ का वो घूमता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो फिर जो मूवमेंट, जो प्लेट जब चलती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब वो चलती हैं तो उनसे वो चेंजेस आते हैं अर्थ पे। जो चेंजेस अर्थ के अंदर से बाहर आते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक, और जो चेंजेस बाहर से ही बाहर ही रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो फिर अभी हम देखते हैं अर्थ मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो का मतलब होता है अंदर, जेनिक का मतलब होता है एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है। तो फिर एंडोजेनिक सडन फोर्सेस होते हैं एंडोजेनिक में। कौन कौन से? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ठीक है। ये है डिएस्ट्रोपिक फोर्सेस, जैसे बिल्डिंग माउंटेन, ये बहुत स्लोली होते हैं, सडन होते हैं, एकदम से हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली होते हैं। जैसे माउंटेन ये थोड़ी है कि आज रात को सोए, कल सुबह उठ के देखा तो सामने एक पहाड़ खड़ा हो गया। तो फिर वो होते हैं, तो फिर सडन फोर्सेस होते हैं वो बहुत जल्दी से आ जाते हैं। जैसे अर्थ कोई कभी भी आ सकता है, और जो वोल्केनो वो कभी भी फट सकता है, लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, लेकिन जो वो है माउंटेन बनते हैं वो एकदम से थोड़ी बन जाते हैं, उनको तो बहुत टाइम लगता है जब दो प्लेट जो है वो टकराती। जब एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल एंड डिपोजनल होते हैं एक्सोजेनिक, ठीक है। तो फिर रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, ये सब हैं इसकी एग्जांपल। रिवर होती है वो, विंड होती है, सी वेव होती है, ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम चलते हैं इधर साइड में बॉक्स में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की ग्लोसरी करते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिगिड इरेगुलर शेप्स प्लेट स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशन फ्लोर। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट की इसने ग्लोसरी यानी कि उसकी डिफिनेशन भी कही है। तो फिर जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होती है, बड़े छोटे, वो ऊंचे नीचे ऐसे होती हैं, जो जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स और जो ओशन का फ्लोर है वो होते हैं। तब ये अभी हम आगे चलते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोवाइड सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोवाइड स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक फोर्स मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर एंडोजेनिक फोर्सेस की डेफिनेशन एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो कभी कभार बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक और ये सब हमने ऊपर पढ़ा। तो फिर कभी कभार वो स्लो भी होते हैं, जैसे वो माउंटेन बनते हैं वैसे। तो सडन मूवमेंट आते हैं, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं अर्थ पे, ठीक है। वोल्केनो होता है एक वेंट ओपनिंग अर्थ क्रस्ट पे, जो कि जिससे कि मोल्टन मैग्मा कभी भी बाहर आ सकता है। वोल्केनो एक वेंट होती है जिसपे, जो अर्थ के सरफेस पे होती है, जिसमें से कभी भी वो मोल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर से आ सकता है। तो फिर ये है गैसेस एंड आइस, यहाँ से मोल्टन मैग्मा निकलता है। ये है क्रेटर, ठीक है। ये है वेंट, इधर से वेंट है ये। ये है लावा, लावा इधर से ऐसे आता है। क्रस्ट है ये, जिस क्रस्ट हमारी वो लिथोस्फीयर का होता है ना, फिर ये मैंटल, फिर ये मैग्मा चैम्बर। तो फिर अब हम वर्ड ओरिजिन भी कर लेते हैं। एंडोजेनिक, एंडो मतलब इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, एंडोजेनिक, एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सोजेनिक, जेनिक मतलब ओरिजिन, एक्सोजेनिक। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं।
Take a container, fill it with water and close it with a lid. Put the water to boil. Now, put some pea, spoon and beans on top of the lid. What do you notice as the water boils and the legs begin to shake? The things which you have put on the lid also vibrate. The lid rolled down and the spoon vibrate to make a sound in the same manner. The earth vibrates when an earthquake occurs. Trophy reach activity है. इसने कहा है कि जो वो इसमें इसने बताया कि कैसे जो अर्थ है वो हिलती है जब अर्थक्विक आता है, शेक होती है. ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्विक. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. Vibration travel outward the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो फिर ये कह रहा है कि जो जब लिथोस्फीयर मूव करते हैं तो कभी कभार जो वो होते हैं वो एक दूसरे टकरा जाते हैं, जिससे कि अर्थक्विक होता है. तो फिर जब अर्थक्विक होता है तो फिर जब अगर यहाँ पे एक मिनट जब यहाँ पे अगर अर्थक्विक है तो और ये है उधर ऊपर वो क्रस्ट है और अगर यहाँ पे अर्थक्विक आया है तो फिर ये होगा इधर का फोकस. इसको कहेंगे फोकस. फिर जो भी इधर ऊपर अर्थ की सरफेस पे तो हम इसे कहेंगे एपिसेंटर. जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो वाइब्रेशन है वो कम होती जाएगी. ये जो ये भी देखो वही डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दिखाया था कि कैसे होता है. डू यू नो क्या बताना चाहते हैं. देर आर थ्री टाइप ऑफ अर्थक्विक वेव्स. पी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव. एस वेव या ट्रांसवर्स वेव. एल वेव्स या सरफेस वेव. ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया. तो इसमें बताया है तीन टाइप की वो प्लेट्स होती हैं. तीन टाइप की वेव्स होती है अर्थक्विक की. पी वेव्स और एस वेव और एल वेव्स. पी वेव का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल. एस का मतलब होता है ट्रांसवर्स. एल का मतलब होता है वो सरफेस. तो फिर अभी हम अर्थक्विक के बारे में पढ़ते हैं. और ऑल द अर्थक्विक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ यू प्रिपेयर इफ यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. तो फिर जो हम वो अर्थक्विक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इस दिन इतने बजे यहाँ पर आएगा अर्थक्विक, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. कहीं पर भी आ सकता है. लेकिन अगर हमको प्रिडिक्ट करना है तो फिर कुछ कॉमन चीज़ें हैं. जैसे हम जैसे जापान में बहुत अर्थक्विक आते हैं क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के बहुत पास में है. तो फिर उधर जो होते हैं तो फिर जब उधर के लोग मछलियाँ पाल के रखते हैं ताकि जब भी अर्थक्विक आए तो फिर जो मछली हैं वो थोड़ी मूवमेंट्स करने लग जाती हैं ताकि उनको पता चल जाए कि अर्थक्विक आने वाला है और वो अपने घरों से बाहर निकल जाए. और जैसे कि अगर जब अर्थक्विक आते हैं तो सांप है वो अपने बाहर आकर घूमने लग जाते हैं, जो कुत्ते वो भौंकने लग जाते हैं, और ऐसे जो चीज़ होती है वो होती है. सम कॉमन अर्थक्विक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्टेड बाय लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर. फिश इन द पॉन्ड गेट ए गेटेड स्नेक कम आउट टू द सर्विस. ये मैंने आपको अभी भी बता ही दिया था. अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी अर्थक्विक का. केस स्टडी अर्थक्विक हिट्स वुज. अर्थक्विक में आया है वो अर्थक्विक का है भुज में. भुज का है, गुजरात का पार्ट है भुज. ठीक है, इंडिया में गुजरात है उसका पार्ट है भुज, वो पाकिस्तान के पास है. अब ऐसे अर्थक्विक मिसिंग 6.9 ऑन रिचर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001. तो 26 जनवरी को 2001 में ये जो है वो हिट भुज में ये अर्थक्विक आया था और उसकी मेजर थी 6.9. बहुत ज़्यादा होते हैं. जो 7 होता है वो जो 7 का वो होता है वो अर्थक्विक जो अर्थक्विक को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक होता है ये. और उधर 6.9 का आया था. तो फिर 6.9 आप भी सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक है. तो फिर दूसरा स्कूल वर्स अफेक्टेड. एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग. तो फिर स्कूल्स जो थे वो गिर गए जिससे कि जो टीचर और वो बच्चे थे उनकी जान चली गई. फिर तीसरा वो भुज रिलीफ एफर्ट ब्लिगेटेड. थ्री डेज आफ्टर द क्विक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाई इज नॉट रीचिंग एवरीवन. तो फिर जब उधर वो आया तो फिर उधर ये कंसर्न होने लग गया कि इधर ना वो खाना आ रहा है ना फूड आ रहा है और ये सब मेडिकल सप्लाई भी नहीं आ रही है. और इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज.
फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। तो फिर इतनी तेज अर्थक्वेक आया कि जो फोन लाइन, फोन के टावर होते हैं वो गिर गए, वाटर की पाइपलाइन जिससे पानी की सप्लाई होता है वो टूट गई, पावर स्टेशन होते जहाँ पे बिजली बनती है वो भी टूट गए, फायर इन द सिटी, हंड्रेड ऑफ फायर स्टार्टेड एज कैरकोल कुकर ओवर ट्यून्ड। तो फिर जो बहुत सारी आग लग गई सिटी में, क्योंकि जैसे कि कुकर जो है वो एकदम ऐसे फटता है वैसे ही उधर भी आग लगने लग गई, ऐसे इधर लिखा है एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी। तो फिर जब उधर आग लगी तो उधर जब अर्थक्वेक आया तो फिर प्रेसिडेंट ने कह दिया तो बहुत वो एमरजेंसी है। सीएम अपील्स टू द सेंटर। तो फिर जो वो गुजरात के सीएम थे उन्होंने कहा कि वो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उनको, चीफ मिनिस्टर गुजरात ने वो करा फिर डिजास्टर से डील करी। ठीक है, डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद रिचर स्केल, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 लेस कैन बी और लेस कैन बी वो फेल्ट ओनली अ लिटल, एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, अ 6.0 हायर मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्वालिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। तो फिर जो बुज था उधर एक मेजर अर्थक्वेक आया था, क्योंकि इधर भी लिखा है कि जो 7.0 है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और उधर 6.9 का आया था। एक्टिविटी रीड द अर्थक्वेक का केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइन दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर आफ्टर द क्विक, अरेंज द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस देयर हैपनिंग। ठीक है, ये भी कर लेना। इमेजिन इफ अ क्विक सडनली शॉक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वो वेयर वुड यू गो टू गो फॉर वो सेफ्टी, ये सबके स्कूल अलग अलग होते हैं। तो फिर देखो, तो अभी ये बता रहे कहाँ जाना चाहिए, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कहाँ पर शेल्टर ले अगर अर्थक्वेक आ जाए तो, सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर टेबल और डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो फिर किचन काउंटर है उसके नीचे चले जाओ, टेबल के नीचे चले जाओ, डेस्क के नीचे चले जाओ, लेकिन किसी भी कॉर्नर या फिर वॉल के पास मत रहो। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, मतलब जहाँ पे आग लग सकती है, चिमनी के दूर रहो, विंडो से दूर रहो क्योंकि वो टूट सकती है, मिरर और पिक्चर फ्रेम से भी दूर रहो क्योंकि वो गिर सकते हैं। Be prepared, spread awareness amongst your friend and family member and face any disaster confidently, कि अगर वो आए तो फिर वो अपने फैमिली फ्रेंड को बता दो और सच से लड़ाई करो डिजास्टर से। तो फिर ये होता है एक सिस्मोग्राफ जो कि अर्थक्वेक के बारे में करता है। मेजर लैंड फॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग एक वो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉन अवे बाई टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर विंड एंड आइस, द इरोडेड मटीरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर विंड एट्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर जो वो लैंडस्केप है हमारा वो दो प्रोसेस से वो हो रहा है, वियर और टीयर हो रहा है, वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, जो वेदरिंग है वो होता है वियरिंग अवे होता है लैंडस्केप का एजेंट से, जैसे वाटर विंड और आइस से, जो इरोडेड मटेरियल होता है उसमें वो विंड वाटर और विंड जो है वो कैरी करती है और फिर डिपॉजिट कर देती है। ये जो इरोजन डिपॉजिशन का होता है ये बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाता है हमारी अर्थ पर। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, व्हेन द रिवर ट्रेम्बल्स एट अ स्लीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्लीप वैली, इट फॉर्म्स अ अर्थ को इट फॉर्म्स एन वाटरफॉल। तो फिर जो रिवर होती है वो जब चलती है तो फिर वो भी लैंडस्केप को इरोड करती है, और जब वो एकदम स्लीप एंगल से गिरती है हार्ड रॉक से तो फिर वो एक वाटरफॉल बना देती है। तो फिर जो वाटरफॉल होता है उसमें ये जो होते हैं यहाँ पे होते हैं हार्ड रॉक, फिर ये सॉफ्ट रॉक होते हैं अंडर वो इस वाटरफॉल की पावर से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे नाइग्रा फॉल्स, द नाइग्रा फॉल्स, डू यू नो
Do you know there are thousands of small waterfalls in the world? The highest waterfall is Angel Fall of Angel Islands, South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Kenya and Zimbabwe in Africa. तो फिर बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं दुनिया में, छोटे बड़े वाटरफॉल हमको मिल ही जाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो एंजल फॉल है, जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, जो कि साउथ अमेरिका वेनेजुएला में है, और नाइग्रा फॉल्स जो कि यूएसए और कैनेडा के बॉर्डर पर है, स्थित है, मतलब उधर ही है कनाडा और उसके बॉर्डर पे, और एक और वो है विक्टोरिया फॉल भी है जो कि जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। तो फिर अभी हम मियांडर और ये सब भी पढ़ेंगे। ऐसे रिवर एंटर प्लेन द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मियांडर ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियांडर द एंड ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द लिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जानते हैं, जब वो जो रिवर है वो इधर से ऐसे जा रही थी, लेकिन पहले जो थी ये ऐसे से यहाँ से ऐसे मुड़ रही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ जो पानी है वो उधर तो उधर ही रह गया, तो ये बन गया ऑक्सबो लेक। ये ज़्यादातर ऐसे टेढ़े ही होते हैं। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरहुडिंग एरियाज एज इट फ्लडेड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। तो फिर जो रिवर है अगर इसके पानी का लेवल बढ़ गया तो फिर ये फ्लड आ जाएगा इधर, जिससे कि जो एकदम फाइन सॉइल है उसकी जो लेयर है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन। तो फिर ये जो प्लेन है इसको हम कहेंगे फ्लड प्लेन, क्योंकि फ्लड की वजह से है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो फिर जो रेस्ड बैंक्स है वो जो ऊँचे ऊँचे बैंक्स हैं उसको हम लीव्स कहते हैं। एज अ रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इंटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो फिर रिवर जो होती है वो जब ओशन पे जाने वाली होती है तो फिर वो बहुत सारी फिंगर लाइक वो उसमें वो बढ़ जाती है। द रिवर बिकम सो स्लो डैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट्स लोड इस डिस्ट्रीब्यूटी फॉर्म्स इट ऑन ऑन माउथ द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। तो फिर जब ये इधर ऐसे जाती हैं तो हम इसको कहते हैं डेल्टा। लेट्स डू फाइंड आउट द नेम ऑफ अ फ्यू रिवर फ्रॉम द वर्ल्ड दैट फॉर्म अ डेल्टा। इंडिया की अगर हम ले तो फिर वो सुंदरबन डेल्टा है जो कि ब्रह्मपुत्र से बनता है। वर्क ऑफ सी वेव्स द इरोजन एंड डिपोजन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स क्रैक डेवलप ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द सी रॉक्स दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो फिर जो सी केव्स है जब इरोजन और डिपोजन होता है सी वेव्स का वो कोस्टल लैंड फॉर्म फिर जाता है। सी वेव जो होती है वो रॉक्स पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती रहती है, उस पर मार उसको वो मारती रहती है जिससे क्रैक बनते हैं, फिर वो और बड़े होते जाते हैं जिससे कि जो केव है वो बनने शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सी केव। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिवेंथस फॉर्मिंग सी आर्स। जैसे ये बड़े बड़े बनते रहते बढ़ते रहते हैं तो फिर सिर्फ रूफ ही बचती है उसकी, जिसे हम कहते हैं सी आर्च। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड द ओनली वॉल्स आर लेफ्ट दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तो फिर जब जो वो वॉल ऊपर की वो छत है उस पर भी स्ट्राइक होता रहता है जिससे कि वो भी टूट जाती है, सिर्फ वॉल है वो ही बची रहती है जिसे हम कहते हैं स्टैक। तो फिर आगे चलते हैं। These wall-like features are called stack. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. तो फिर जो steep rocky coast है जो कि वर्टिकली होता है वाटर से उसे हम कहते हैं sea cliff. The sea water deposits sediment along the shores forming beaches. तो फिर जो सी वाटर होता है वो अपने अंदर से मिट्टी और उन सबको डिपॉजिट करता रहता है जिससे कि हमको एक बीच मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। तो आइस का क्या काम है। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू
erode the landscape by lodging soil and stone to expose the solid rock below. तो फिर जो ग्लेशियर होता है वो रिवर्स होती है इसकी, जिससे जो कि इरोड होती है वो सॉइल और स्टोन से, जिससे कि एक रॉक बन जाता, सॉलिड रॉक बनता है। ग्लेशियर जो होते हैं वो डीप होलोस में कवर होते हैं, जैसे आइस मेल्ट होती है तो फिर वो वाटर से भर जाती है, और फिर ब्यूटीफुल लेक्स जो होते हैं वो उधर माउंटेन में बन जाते हैं। जो मटेरियल कैरीड होता है ग्लेशियर, जैसे रॉक्स, बड़े और छोटे रॉक्स, और जो सैंड और सिल्ट होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, जो डिपॉजिट होती है ये ग्लेशियल मोरेन्स बना देती है। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड, कि जो विंड है उसका क्या काम है। हैव यू एवर विजिटेड आवर डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। तो कभी ये कह रहे हैं कभी डेजर्ट गए हो, सैंड ड्यून की फोटो जो है वो कलेक्ट करो। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजन इन द डेजर्ट इज विंड, विंड ही उधर काम करती है, ना उधर वाटर होता है ना उधर आइस होती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स दैट नेवर बेस एंड वाइडर टॉप। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल। ठीक है, तो फिर जो हवा चलती है तो फिर जो रॉक होते हैं वो उसको जो है वो मशरूम की शेप देते हैं, क्योंकि जो नीचे का पार्ट होता है वो उसको ज़्यादा स्ट्राइक करता है, जिससे कि एक मशरूम रॉक बन जाता है। फिर जब हवा चलती है तो उसके साथ होती मिट्टी, और जब हवा नहीं चलती रुक जाती है तो फिर सारी मिट्टी वो हो जाती है, इसलिए और फिर उससे बनते सैंड ड्यून। When the grain of sand are very fine and light, the wind carry it over very long distance. When such sand is deposited in large area, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. तो फिर जब वो जो है, जब वो हवा में मिट्टी होती है और जब हवा वो रुक जाती है, जब वो गिरती है तो उसे हम कहते हैं लोइसिस भी कहते हैं। जो लोइसिस है वो चाइना में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो फिर चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।